बात की जाए तो यहाँ के खाने की, यहाँ के स्ट्रीट फूड की सबसे ज़्यादा तारीफ की जाती है, जो कि है मोमोज, यानी कि देहरादून वालों की और जो भी लोग देहरादून आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और टेस्टी डिश। तो अगर मोमोज की बात कर रही हूँ तो लोग वीडियोज डालते हैं टॉप 5 प्लेसेज इन देहरादून जो है मोमोज, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मोमोज देहरादून की स्पेशलिटी है तो पूरे देहरादून में सिर्फ 5 जगह तो हम बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो इस बार मैं आई हूँ गढ़ी कैंट में, जहाँ पर कि नेपाली लोग जो है वो मोमोज बनाते हैं। अच्छा, स्पेशल बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि नेपालीज के हाथ के जो मोमोज होते हैं ना, उसकी ना बात ही कुछ और होती है, या फिर तिब्बतियंस के हाथ के मोमोज की बात कर ले। वैसे तो हर एक जगह का अच्छा होता है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, पर अपने हिसाब से जो मैं बता रही हूँ वो मुझे यही लगता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हूँ, जो कि है गढ़ी कैंट का एरिया। यहाँ पर आपको लाइन से स्ट्रीट फूड की मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल इनकी दुकानें मिलेंगी। स्पेशल बात क्या है, मोमोज जो कि यहाँ पर सभी लोग बड़े ही ज़्यादा प्रेम के साथ बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं यहाँ के मोमोज। तो चलिए इस वीडियो में और देखते हैं गढ़ी कैंट के अंदर टॉप 3 मोमो सेंटर्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्टी मोमोज मिलते हैं। तो आज यहीं पे आई हूँ मैं लाफा रेस्टोरेंट गढ़ी कैंट में जो है। अब स्पेशल बात क्या है इस रेस्टोरेंट की, वो ये है कि सबसे पहले तो ये मेरे चाइल्डहुड से जुड़ा है, तो मुझे पता है कि टेस्ट यहाँ का सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और चाइल्डहुड से जुड़ा है तो मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आती थी, मैं आपको बता रही हूँ, दोस्तों के साथ। और लाफा का मतलब भी होता है दोस्त, फ्रेंड, मगर भाषा में। नेपाली जितने भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, उन सबको बताऊंगा कि मगर भाषा में लाफा का मतलब होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स के साथ इस जगह पर आते थे। स्पेशल बात पता है क्या थी आपको, इसका प्राइस रेंज, टेस्टी मोमोज विद मिनिमम प्राइस, चीपेस्ट मोमोज आप कह सकते हैं गढ़ी कैंट में, जिसमें कि आपको प्लेट भर के मोमो मिलते हैं और जस्ट फॉर ₹40। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे लेकर आ रहा है अभी ये भाई मोमोज। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है पॉकेट फ्रेंडली। मैंने जैसे बताया कि स्कूल टाइम में मैं आती थी, क्योंकि स्कूल टाइम पॉकेट में नहीं मिलती है, थोड़े थोड़े पैसे होते हैं उसी को बचा के हम लोग कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ पी लेते हैं। तो खाने के लिए जो बेस्ट था वो है यही मोमोज, जो कि लाफा के है, गढ़ी कैंट के है। यहाँ पर एक तो फ्राइड मोमोज और दूसरे हैं वेज चिली मोमोज। नॉर्मल मोमोज मैंने आपको बताया, मैंने बहुत खाए हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी आके ज़रूर खाइएगा। जस्ट ₹40 प्लेट है, जिसमें कि 8 मोमोज आपको बढ़िया से मिल जाएंगे, नॉर्मल मोमोज। और फिलहाल बात करते हैं चिली मोमोज की, जिसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, प्राइस मैं मैंशन कर दूँगी। चिली मोमोज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये शायद से कुछ साल पहले से यहाँ पर स्पेशलिटी चिली मोमोज की स्टार्ट हुई है। तो चिली मोमोज देख रहे हो आप, कितनी अच्छी ग्रेवी है इसमें, मुझे पानी आ रहा है मेरे बात करते करते। तो ग्रेवी आप देख सकते हैं, पूरी प्रॉपर वेज ग्रेवी है, लेकिन इतना हाई, इतना ज़्यादा ये तीखा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी मैंने ट्राई करा है, अभी ट्राई करके देखते हैं कि उतना तीखा है या तो हाई स्पाइसी है, पर उतना ज़्यादा नहीं है कि बच्चे नहीं खा सकते हैं, पर उस टाइप का कुछ नहीं है। तो ये स्पाइसी है, इसको भी थोड़ा सा साइड में रखेंगे। फटाफट बता दूँ मैं आपको, ये फ्राइड मोमोज जो कि मेरे फेवरेट रहे हैं हमेशा। चटनी यहाँ पे आपको 2 मिलती है। अगर चटनी की बात करें तो ये लाफा की स्पेशल चटनी है, जो यहीं पे ही मिलती है। ये वाली चटनी पे आप जूम करके देखिएगा, येलो कलर की चटनी है ये, मस्टर्ड जैसी, लेकिन ये अलग ही इसका कोई टेस्ट है। मैं बचपन में जब से भी यहाँ पे खाते आ रही हूँ, तो ऐसी चटनी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। लोगों ने कॉपी ज़रूर किया है इसको, पर सेम एग्जैक्टली टेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और ये इनकी रेड चटनी, इसमें कि शेजवान वाला टेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा, इन दोनों को मिक्स करके खाएंगे हम लोग फ्राइड मोमोज। तो फ्राइड मोमो खा के बताते हैं, क्रंची टेस्टी वेज मोमोज है। वेज मोमो की फिलिंग मैंने आपको दिखाई नहीं, तो फिलिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कच्चा कुछ भी नहीं मोमो के अंदर, प्रॉपरली कुक्ड है और एक्स्ट्रा सॉगी भी नहीं करा है, इक्वली है अच्छे से बना रखा है। और सबसे बेस्ट पार्ट दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, वो है यहाँ का प्राइस रेट, मतलब ₹50 में इतना सारा अगर आपको खाना मिल जाता है तो उससे ज़्यादा अच्छी बात तो क्या ही होगी। आजकल लोग इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन अगर इतना सस्ता और इतना टेस्टी खाना मिलता है तो उसके लिए गढ़ी कैंट की लाफा में आना तो ज़रूर बनता है। दूसरी जगह जहाँ पे मैं सीधा आपको मोमो ही दिखा रही हूँ, वो है बाजे के मोमो। ये भी गढ़ी कैंट में कॉलेगर रोड के पास है, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमोज मिलते हैं। और 12-13 साल से ये शॉप है, यहाँ पर भी मैं बहुत बहुत बार आई हूँ। और इसका नाम है बाजे के मोमोज,
अगर आप लोगों को पता होगा कि नेपाली में दादा दादी या फिर जितने भी जो घर के बूढ़े लोग होते हैं उन्हें बाजे या बजे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पहले बनाते थे मोमोज वो काफ़ी एजेड थे, तो इसलिए उसको बाजे के मोमोज कहा जाता था। अभी तो फिलहाल वो है नहीं, तो अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको बताया शॉप के बारे में। अब ये बाजे के मोमोज जो कि बहुत स्पेशल है, 50 रुपीज़ प्लेट है, फुल प्लेट आपको दिख रही है यहाँ 50 रुपीज़ में, 10 पीसेस यहाँ पे मोमोज मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए हम लोगों को। तो 50 रुपये में पूरी की पूरी प्लेट मिल रही है, जिसमें फिलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पकी हुई है। बहुत बार मैं शॉप में आई हूँ, लेकिन दोबारा इस बार आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको बताने थे कि बेस्ट मोमोज कहाँ मिलते हैं गड़ी कैंट के अंदर। तो ये वाला और इसकी लाल चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा तीखा है। ट्रस्ट मी, मैंने लास्ट टाइम लाफा वाले में बोला था कि इतना तीखा नहीं है, पर यहाँ पे जो चटनी है वो बहुत तीखी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फर्स्ट बाइट लेकर बताते हैं कि कैसा मोमो है, पहले से अभी या कुछ चेंजेस इसमें आए हैं। मोमोज वैसे ही हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, चटनी और ज़्यादा तीखी हो गई है। और अंदर पहले इसमें लौकी की फिलिंग होती थी, अब इसमें लौकी, पत्ता गोभी, प्याज और न्यूट्रिला की फिलिंग है, जो कि दोबारा से काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है। अच्छा वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, मोमोज को डाइट फूड के अंदर भी गिना जाता है, क्योंकि जो है ये फ्राई तो होते नहीं हैं, स्टीम में इनको पकाया जाता है। तो जो डाइट चार्ट है, जो डाइट फूड है, उसमें भी डम्पलिंग मोमोज को काउंट किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इन मोमोज का टेस्ट लेती हूँ और आपको मिलती हूँ दूसरे नेक्स्ट मोमो जॉइंट पर। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गड़ी कैंट में जो फेमस मोमो जॉइंट्स हैं उनमें से ये वाला डाउनटाउन, ये भी 10-12 साल पहले से है। और यहाँ के मोमोज की स्पेशलिटी है कि पहले तो यहाँ पे 3 तरीके के मोमोज मिलते हैं, वही नॉर्मल चिकन, मटन और वेज। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है वो है मटन मोमोज की। मटन मोमोज काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इनके, और प्राइस रेंज जैसे मैंने आपको बताया ये चीपेस्ट मोमो चैलेंज चल रहा है, तो इसमें प्राइस रेंज गड़ी के मोमोज का काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देखिए आप ये वाला मोमो, जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है मोमो, फिलिंग भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। बाकी मैंने खाया है यहाँ पहले भी, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, पहले आज खा चुकी हूँ मैं, उसके बाद अब आपको बताएंगे कि क्या टेस्ट है, क्या कुछ चेंज हुआ है और मटन मोमो का टेस्ट कैसा है। अभी पूरा मोमो खा रही हूँ भाई दिन में। खा लेती हूँ जूसी मोमो, मुँह पे रखते ही पूरा पिघल जाता है ये मोमो। अच्छा दूसरा आप सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ 2 मोमो ले रखे हैं, तो मैं सुबह से मोमो ये कर करके, वीडियो कर करके इतना ज़्यादा मेरा पेट फुल हो चुका है कि अभी मैंने सिर्फ 2 ही मोमोज की मेरे पेट में जगह थी, क्योंकि एक मैंने इनका मटन लिया और दूसरा इनका वेज मोमो, जो कि दोबारा से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मोमो है। ये देखिए इसके अंदर लौकी और न्यूट्रेला का जो क्रंच रहता है उसकी फिलिंग है इसके अंदर, और इसको मैं ग्रीन और रेड चटनी दोनों के साथ मिक्स करके ये मोमो में पूरा खा देती हूँ। प्याज है प्लस पॉइंट, प्याज के साथ टेस्ट और अच्छा हो जाता है। खा के बात करते हैं। तो इसी के साथ मेरे मोमोज भी कम्प्लीट हो गए, और ये जो मैंने आपको बताया था कि 3 बेस्ट प्लेसेस जो कि देहरादून के गढ़ी केंद्र में हैं, यहाँ बेस्ट मोमोज मिलते हैं इस एरिया में, 20 से 25 मोमोज की शॉप से, लेकिन उसमें से मैंने आपको 3 बताए हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपको याद होगा, कि लोग वीडियो बनाते हैं बेस्ट 5 प्लेसेस इन देहरादून, देहरादून में 500 से ज़्यादा जगह है जहाँ पर मोमोज मिलते हैं, तो मैं बेस्ट 5 कैसे बताऊँगी बताओ। तो इसलिए पहली वीडियो थी गड़ी कैंट की। इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसके बाद गड़ी कैंट के अलावा और जितनी भी जगह है, राजपुर रोड, आपका बुद्धा टेम्पल के पास का जो एरिया, जो काफ़ी सारे टेस्टी मोमोज वहाँ मिलते हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे और प्राइस रेंज के साथ दोबारा आऊँगी इस वीडियो पर। तब तक के लिए देखते रहिए देहरादून लाइव। नमस्कार।